वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज का जो हमारा पहला मैच होगा। पिछले 6-7 दिन से कोई मैच मैंने कवर नहीं किया, आपको पता होगा लीजेंड वाला कवर किया था और वो आपको एक तरफा जितवा ही दिया था। उसके बाद कवर नहीं किए क्योंकि मैचेस देखिए अच्छे थे नहीं और मैं कहीं बिजी भी था। अब आज से मैं कोशिश करूँगा जो अच्छे मैचेस है वो मैं कवर करूँ। तो लंका प्रीमियर लीग का मैच होगा ये, जो कि खेला जाएगा कैंडी फाल्कन्स और दम्बुला स्ट्राइकर सिक्सर्स के बीच, ठीक है। तो दोनों ही जो टीमें ये आज मैच खेलेंगी ना, दोनों ही टीमें जिसको कहते हैं ना सबसे ख़राब टीमें, उन कैटेगरी के अंदर शामिल है। सबसे जो नीचे पॉइंटेबल होती है ना पोजीशन पे, दोनों उस पोजीशन पे बैठी हुई है। और लगभग ये कंफर्म है कि इस मैच में जो टीम हारेगी लगभग कंफर्म है, हालांकि कैलकुलेशन लगाओगे तो चांसेस है कि वो क्वालिफाई कर लेगी, लेकिन कैलकुलेशन के बेस पे ना तो दम्बुला सिक्सर्स बैठना चाहेगी ना कैंडी फाल्कन्स बैठना चाहेगी। तो इस मैच में जीतना दोनों ही टीमों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है अगर इनको आगे क्वालिफाई की रेस में मतलब कंटिन्यू रहना है तो, और हार गए तो गेम यहीं पे लगभग ख़त्म हो जाएगा। हालांकि मैच आएंगे लेकिन क्वालिफाई की रेस से बाहर हो जाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है दोनों ही टीमों के लिए, तो वीडियो को आपको पूरा ध्यान से देखना है। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन तो दूंगा ही दूंगा कि कौन खेलेगा, कौन कब बैटिंग करेगा, वो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। मेनली हम फोकस करेंगे कि इस मैच में हमें किस कंडीशन में किन प्लेयरों को लेना है और किन को कैप्टन बनाना है, कौन हमारे ट्रंप कार्ड प्लेयर होंगे, ऐसे प्लेयर जो कम लोगों के द्वारा लिए गए हों लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर हो, तो वो मैं आपको बताऊँगा। आप बस पूरा वीडियो देखना, ठीक है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर लेना ताकि जो इस मैच की फाइनल टीम हो ना वो आपको मिल सके। और ज्वाइन करने का तरीका क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है, या तो आप वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो या वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में भी मैंने लिंक दिया हुआ है, या वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। जहाँ से भी आपका मन करे आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो और ज्वाइन कर ही लेना, क्योंकि टॉस कंडीशन के हिसाब से टीम बनती है और बना के दिखाऊंगा मैं अभी आपको, ठीक है। तो वो आगे जब आप कंटिन्यू देखोगे आपको पता लग जाएगा। तो कर नहीं किया है ना, मतलब कई लोग ऐसे होंगे जो वीडियो को देख रहे होंगे लेकिन टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे, तो उनके लिए ये काम जरूरी है, ठीक है। ज्वाइन करने का तरीका मैं आपको बता ही चुका हूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना जिसने नहीं किया, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिले। और बात करें इन्वेस्टमेंट की कि भाई इस मैच में खेलना कहाँ पे है, देखिए वैसे तो आपके ऊपर जहाँ डिपेंड हो ना आप वहाँ खेलो, इसमें कोई फोर्स वाली बात नहीं है कि आप जहाँ मैं बताऊँ वहाँ खेलो, लेकिन मैं आपको फ़ायदा करवा सकता हूँ। देखिए बहुत सारे ऐप्स हैं जहाँ पे आपको, अब जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ ड्रीम इलेवन का ही, ड्रीम इलेवन पे जब आप खेलोगे, जब आप विड्रॉ करोगे ना तो आपको TDS पे करना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा और उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर आपको उस चीज़ को बचाना है तो आप रियल इलेवन को ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे GST के अलावा जो कि ड्रीम इलेवन भी पे कर रहा है, TDS भी आपका फ्री होगा, साथ ही ओपिनियन ट्रेड्स भी आपको मिलेंगे। कल भी मैंने शेयर किए थे ट्रेड्स और उसमें विनिंग भी आई थी। एक संजू सैमसन का ट्रेड्स दिया था कि वो 33 के ऊपर स्कोर करेगा नहीं करेगा, उसने किया। ऐसे ही इंडिया विनिंग का भी मैंने ट्रेड दिया, तो जो एक्सपेक्टेड होता है ना जिसके विनिंग के चांसेस, वो भी शेयर करता रहता हूँ मैं, तो वो आप लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हो। डाउनलोड नहीं किया है तो आप कर सकते हो, इसका लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में। अब इन दोनों टीमों के बारे में मेन तो चीज़ मैंने बता ही दी है ना आपको कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है टीम को मैच जीतना, ठीक है, क्योंकि अगर हार जाएंगे तो लगभग बाहर हो जाएंगे क्वालिफाई रेस से। अब देखिए बात करें दोनों ही टीमों की, ये जो टीम है DS की टीम या दम्बुला सिक्सर्स की टीम, इनका कल एक बहुत ही रोमांचक मैच हुआ था, बहुत ही तगड़ा मैच, और उस मैच में ये लोग टाई हो गया था पहला इनका मैच, ठीक है, मैच टाई हुआ था। टाई होने के बाद फिर इन्होंने बैटिंग ली, बैटिंग इन की आई तो ये लोग जो है आई थिंक शायद 8 रन या 10 रन पे, मतलब 2 विकेट इनके चले गए थे, तो फिर जो इनका सामने वाली टीम थी हेल्स जिसमें है वो हरा दिया था। तो ये जो है ना ये हार के आ रहे हैं अपने सुपर ओवर के अंदर, और ये जो है ना छोटा हुआ था मैच बारिश के कारण, उस कंडीशन मतलब वो मैच हुआ था और ये भी हार गए थे, ठीक है। दोनों ही टीमें अपने पिछले मैच को हार के आ रही है, ठीक है। बाकी आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो कैंडी फाल्कन्स की टीम है ना वो दम्बुला सिक्सर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप एक काम जरूर करना, कोशिश करना स्मॉल लीग की जब आप टीम बनाओ तो मैक्सिमम प्लेयर आप कैंडी फाल्कन्स के इंक्लूड करो, क्योंकि ये टीम इस टीम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आप सबको पता है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उसके विनिंग के चांस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं।
बात करें वेन्यू की तो ये कोलंबो के अंदर मैच होगा, और कोलंबो एक ऐसा वेन्यू है जहाँ पे मतलब बैलेंस विकेट रहता है ज़्यादातर टाइम यहाँ पे, बल्कि बैट्समैन से ज़्यादा बॉलर अच्छा करते हैं, और बॉलर कौन से, स्पिनर। कोलंबो के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम स्पिनर मतलब तबाह कर देते गेम को। आप ये देख लो कल जो मैच था सुपर ओवर का, सुपर ओवर में महेश तीक्ष्णा को बॉलिंग दी गई थी, इसी वेन्यू पे मैच था। अब तीक्ष्णा एक स्पिनर ही तो है ना, तो स्पिनर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब पेसर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ स्पिनर होते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसीलिए कोशिश भी ये करना कि कैप्टन जो हो वो वानिंदु हसरंगा ही हो। अगर आप कोई अनोदर प्लेयर के साथ जा रहे हो तो आप गलती करोगे, हसरंगा से बेहतर कैप्टन आपको नहीं मिलेगा। हालांकि वो बिल्कुल सेफ कैप्टन है, मैं मुझे भी पता है और ज़्यादातर लोगों ने बना भी रखा होगा, लेकिन अगर आप भटक गए हो किसी अनोदर कैप्टन के साथ जा रहे हो तो गलती मत करना, हसरंगा सबसे बेस्ट चॉइस होगा कैप्टनसी में, ठीक है। बाकी ये मैं आपको बता चुका हूँ कि बॉलर्स यहाँ पे दोनों ही अच्छे होते हैं, लेकिन स्पिनर ज़्यादा अच्छे होते हैं, और बैलेंस विकेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। पिछले कुछ मैचेस की बात करें जो यहाँ पे खेले गए, हालांकि देखिए कल भी मैच खेले गए थे, वो मैंने इंक्लूड नहीं किए, उससे पहले के मैचेस ही है। तो उससे पहले के मैच में एक मैच तो टाई हो गया था, ठीक है, ये वाला मतलब कल का ही मैच है, वो मतलब पूरा इंक्लूडेड नहीं है ना। तो अब उसके अलावा बात करें ना तीन मैच, तो ये तीनों मैच बॉलिंग करने वाली जीती है, तीनों के तीनों मैच, ठीक है। तो एक्सपेक्ट, लेकिन वो एक चीज़ ध्यान रखना, पिच की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पता लगेगा कि टॉस जीतने वाली टीम बैटिंग कर रही है बॉलिंग कर रही है। हालांकि हाँ, यहाँ पे आपको ये पता लग रहा होगा कि बॉलिंग करने वाली जीती है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि बॉलिंग करने वाली ही जीतेगी, क्योंकि बाद में जैसे पिच रिपोर्ट में आया पता लगा कि यार टॉस जीतो और फिर बैटिंग ले लो, बाद में पिच स्लो हो जाएगी और हमारे स्पिनर गेम जो है जीत जाएंगे, तो हो सकता है बैटिंग करने वाली भी जीत जाए। तो पिच रिपोर्ट का आपको ध्यान रख के चलना ही चलना है, और ये तो है ना कोई ड्यू फैक्टर वाला रोल भी नहीं है, क्योंकि दिन में मैच है ना, तो ड्यू फैक्टर का कोई सीन ही नहीं है। हाँ भाई, अगर ड्यू फैक्टर आए तो चेजिंग आसानी से हो, बॉलिंग करने वाली जीते, तो दिन का मैच है तो कुछ भी हो सकता है, बैटिंग करने वाली भी जीत सकती है, बॉलिंग करने वाली भी, लेकिन चांसेस जो KFL है ना उसके ज़्यादा है, क्योंकि उनकी बैटिंग भी अच्छी है और बॉलिंग कमाल की उनकी, ठीक है। बाकी उसके अलावा इनकी प्लेइंग 11 KFL की बात करें तो फ्लेचर, दिनेश चंडीमल ओपनिंग करेंगे, हैरिस वंडा बनाएंगे, कमिंडो मेंडिस है, एंजेलो मैथ्यूज है, शनाका है, वानिंदु हसरंगा है, रमेश मेंडिस, उसके बाद सी गोमेज, फिर आएंगे मोहम्मद हसनैन के साथ साथ शरीफुल इस्लाम। ये एक्सपेक्टेड लाइनअप जो है ना वो बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग है। हाँ, कंडीशन वाइज ये लोग बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये दो बहुत अच्छा खेल गए, बहुत ही शानदार, फिर ये वनडाउन आया, लेकिन अब चौथे पे कमिंडो मेंडिस नहीं आएगा, अगर ये अच्छा खेल गए तो डायरेक्टली एंजेलो मैथ्यूज को भेज देंगे हिटिंग के लिए। नॉर्मल बैटिंग ऑर्डर तो बिल्कुल परफेक्ट है ये, लेकिन अगर चीज़ें चेंज होती है तो बैटिंग ऑर्डर चेंज होगा। अब लेफ्टी राइटी काउंट करते हैं तो लेफ्ट हैंडेड प्लेयर अगर आप टॉप 7 तक देखोगे ना तो एकमात्र देखेगा कमिंडो मेंडिस, तो वहाँ से जो ऑफ स्पिनर है वो मतलब मस्ट नीडेड नहीं होगा। हाँ, आप ले सकते हो, लेकिन जो कहते हैं ना कि भाई आप कन्फर्म लेना है, वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। सामने देखना कितने लेफ्टी है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे यहाँ से ऑफ स्पिनर कितना इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये हो गई, बाकी यहाँ पे आप कोशिश करना टीम बनाते वक्त मैक्सिमम ऑलराउंडर्स को और बॉलर्स को टीम में इंक्लूड करो। तो ये टीम की अगर बात करें बॉलिंग अटैक की, तो पावर प्ले में आपको मोस्ट लाइकली शनाका और शरीफुल इस्लाम लगभग कन्फर्म ही मान लो यही आएंगे, और डेथ हॉर्स में इनके साथ मोहम्मद हसनैन। शनाका के चांस थोड़े कम है, वो तब करता है जब किसी के ओवर नहीं, मतलब जैसे शनाका के ओवर कब आएंगे डेथ में, जब या तो कोई बॉलर शरीफुल इस्लाम जैसा बॉलर खराब बॉलिंग कर रहा हो तब कर देगा, या उन दोनों ने हसनैन और शरीफुल ने चार चार ओवर कर लिए लेकिन बच नहीं रहा है कोई बॉलर तो करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी अब अगर यहाँ से हम बात करें स्कोर कार्ड की तरफ डायरेक्टली चलते हैं, हाँ, लेकिन यहाँ पे तो आपको डेटा ज़रूरी होगा ना, क्योंकि वेन्यू का रिकॉर्ड यहाँ का तो इम्पोर्टेंट होगा, ये कोई मतलब छोटी मोटी टीम का मैच नहीं है, और इसी टूर्नामेंट के मैचेस हैं, और प्लेयरों का वेन्यू का रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वैसे मैं दिखाता नहीं, लेकिन कोलंबो में मैच इनका जो है ना वो इम्पोर्टेंट ये वेन्यू का रिकॉर्ड रहने वाला है। देखिए फ्लेचर की बात करें ना, तो वेन्यू पे इनका रिकॉर्ड उतना कुछ खास है नहीं, मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि यहाँ बल्लेबाज उतने अच्छे नहीं होते, बॉलर यहाँ बहुत कमाल के होते हैं। तो कोशिश ये करना आप ऑलराउंडर प्लेयर पे ज़्यादा फोकस करना, और जो ध्यान से टाइम लेके खेलते हैं ना उन पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। फिर मोहम्मद ये दिनेश चंडीमल है, चंडीमल इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये बैटिंग के साथ साथ विकेट कीपिंग का भी बैकअप आपको देने वाला है। उसके बाद आएंगे मोहम्मद हारिस और कमिंडो मेंडिस। देखिए इन चारों में ना मस्ट नीडेड तो दिनेश चंडीमल है, उसके बाद अगर बात करूँ ना मैं तो वो कमिंडो मेंडिस, और उसके बाद हारिस, और उसके बाद फ्लेचर है।
हालांकि अदर वेन्यूज पे फ्लेचर फर्स्ट चॉइस होता है, लेकिन इस वेन्यू पे ये नहीं रहने वाला है। तो अगर इन चारों में बात करें ना, तो मेंडिस ये और चंडीमल दो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज है, ये इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि इस वेन्यू पे इनकी बैटिंग लगभग कन्फर्म आएंगी और साथ ही में आपको बॉलिंग बैकअप भी देने वाले हैं। उसके बाद शनाका भी इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि बॉलिंग बैटिंग दोनों आपको करते हुए नजर आएंगे। आप देखिए, मैंने आपको बोला था ना कि हसरंगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप एक बार रिकॉर्ड देखिए बंदे का, वेन्यू पे अल्टीमेट रिकॉर्ड है, इससे बढ़िया रिकॉर्ड आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। वैसे तो मुझे पता है कि पूरी दुनिया का कैप्टन यही रहने वाला है, लेकिन अगर आप नहीं बना रहे हो तो आप बना लेना, ठीक है। उसके बाद आएंगे यहाँ पे रमेश मेंडिस, फिर आएंगे सी गोमेज, जिनका वेन्यू का पहला मैच होगा, और मोहम्मद हसनैन का भी रिकॉर्ड आप देखोगे तो काफ़ी ठीक ठाक है, और शौरीफुल ने एक मैच खेला है जिसमें ये विकेटलेस रहे थे, ठीक है। और ये इनके बेंच के प्लेयर हैं, हो सकता है, चांस तो मुझे लग रहे हैं कि इन लोगों के प्लेइंग 11 में चेंज होगा। हसनैन को ये लोग हटा सकते हैं, और शनाका क्योंकि उनको पावर प्ले भी दे रहा है, डेथ भी दे रहा है, तो ये बैटिंग मजबूत कर सकते हैं। चतुरंगा डी सिल्वा को लेके आ सकते हैं ताकि बॉलिंग भी मजबूत हो, स्पिन का काम कर देगा और बैटिंग भी अच्छी हो सकती है। तो या तो शौरीफुल को ये लोग हटा दें या हसनैन को, क्योंकि बॉलिंग में इनके पास मैथ्यूज है, एंजेलो मैथ्यूज, जो इस पेस का काम कर देगा, शनाका है जो पेस का काम कर देगा, स्पिन में क्योंकि ये विकेट भी ऐसा ही कोलंबो का विकेट स्पिनर के लिए अच्छा है, तो रमेश मेंडिस और हसरंगा के अलावा अगर आप देखोगे ना तो एक बेहतरीन स्पिन का काम ये करेगा, तो चांस बनते हैं कि ये खेलेगा। वैसे तो कमिंटो मेंडिस भी स्पिनर ही है, लेकिन वो मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, वो एक बैटिंग ऑलराउंडर है, तो यहाँ पे ये तो क्लियर ही बॉलिंग के लिए खेलता है। उसके बाद चामीरा है, सलमान आगा है, चांस है सलमान आगा के भी वेन्यू के कारण, रजिता और अश्विन भंडारा। देन उसके बाद ये अब हम बात करेंगे पिछले मैच के स्कोर कार्ड की। सो देखिए, पिछले मैच के स्कोर कार्ड की तरफ अगर अपन चले तो सबसे ज़्यादा जो स्कोर किया था वो हारिस ने किया था, और पिछला मैच जो हुआ था वो 6-7 ओवर का हुआ था, तो वो आपको स्कोर कार्ड देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। 7 ओवर का मैच हुआ था। बॉलिंग में देखोगे मैथ्यूज ने 2 विकेट लिए, हसरंगा ने 2 विकेट लिए, शनाका ने 1 विकेट, और फ्लेचर ने बॉलिंग करी थी लेकिन विकेटलेस था। ये सेकेंड लास्ट मैच है, और सेकेंड लास्ट मैच में आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा स्कोर फ्लेचर का था, लेकिन ये इस वेन्यू का मैच नहीं है, ये डिफरेंट वेन्यू था, ठीक है। ये स्कोर कार्ड मैं आपको हालांकि दिखा रहा हूँ, लेकिन वेन्यू अलग था। ये इनके बॉलिंग का परफॉर्मेंस है। देन उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे ये थर्ड लास्ट मैच है। बॉलिंग में आप देखिए, हसरंगा जैसा बॉलर 4 ओवर में 1 विकेट, 4 ओवर में विकेटलेस, ये क्यों? क्योंकि पिच हेल्प ही नहीं कर रहा था। अगर पिच ही हेल्प नहीं करेगा तो विकेट कहाँ से मिलेंगे? ये पिच डिफरेंट है, यहाँ पे हेल्प नहीं, बहुत हेल्प होगी। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ, अभी एक मैच चल रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तब भी एक मैच चल रहा है लंका प्रीमियर लीग का। शादाब खान, आपको पता ही होगा, पाकिस्तानी ऑलराउंडर, 4 विकेट ले गया और इसी वेन्यू पे मैच है। अब इससे ज़्यादा मैं प्रूफ क्या दूंगा आपको कि स्पिन यहाँ पे अच्छी होती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। स्पिनर मतलब मस्ट नीडेड है भाई। बाकी उसके अलावा बात करते हैं सेकेंड टीम की। सो बहुत बुरा हुआ इनके साथ, क्योंकि ये मतलब जीता हुआ मैच हार, एक तो पहले तो हारता हुआ मैच जीते थे और फिर जीता हुआ मैच हारे ये लोग। देखिए, ओपनिंग करेंगे कुशाल परेरा रीजा हैंड्रिक्स के साथ, फिर इब्राहिम जादरान, लहरू उड़ारा, चैपमैन चामिंडो, विक्रमसिंघे, मोहम्मद नबी, दुशान हेमंता, दिलशान मधुशंका, नुवान प्रदीप के साथ साथ नुवान तुषारा, ये एक्सपेक्टेड लाइनअप है। अब ये लोग भी है ना एक चेंज कर सकते हैं, मधुशंका को हटा के ये लोग ला सकते हैं, लेकिन ये लाएंगे किसको? हाँ, नविंडो फर्नांडो को ला सकते हैं, लेकिन चांस कम है। अकेला धनंजय आ सकता है, लेकिन वहाँ भी लेफ्टी ज़्यादा नहीं है, बट इनको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो हो सकता है, लेकिन थोड़े चांस कम रहने वाले हैं। तो देखिए, ये इनकी लाइनअप हो गई। लेफ्टी राइटी अगर अपन काउंट करते हैं तो 1, 2, 3, तो रमेश मेंडिस, लेकिन ऑलरेडी ऑफ स्पिनर है वहाँ पे, तो रमेश मेंडिस इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखना, क्योंकि वो पावर प्ले में आ जाएगा एक तो सीधा, और मिडल ऑर्डर में भी 2 लेफ्ट हैंडेड प्लेयर खेलेंगे, तो वहाँ पे भी उनको विकेट के जो चांस है ना वो ज़्यादा रहने वाले हैं। तो ये प्लेइंग 11 हो गई बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, और पावर प्ले डेथ की बात करें तो तुषारा और मधुशंका, और डेथ ओवर्स में इन दोनों के साथ जो है ना नुवान प्रदीप आने वाला है। बात करें यहाँ से प्लेयरों के मतलब स्टेट्स की, कि किसका वेन्यू का कैसा स्टेट्स हैं, तो कुशाल परेरा की बात करें, पिछले 2 मैच के अंदर बंदा 0-0 पे गया है, लेकिन उससे पिछले 3 मैचेस में अच्छा स्कोर भी है। देखिए, ये प्लेयर इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसके पास विकेट कीपिंग का बैकअप होता है, वरना मैं इनको लेता भी नहीं इस वेन्यू पे, तो लेकिन इंपॉर्टेंट होगा। रीजा हैंड्रिक्स और ये जो इब्राहिम जादरान, ये ऐसे प्लेयर है ना भाई, जहाँ पे ये जो वेन्यू जहाँ पे मैच खेल रहे हैं, ये इनको बहुत भाएगा, बहुत ही भाने वाला वेन्यू है, क्योंकि ये बिल्कुल टाइम लेके खेलते हैं, आराम से खेलते हैं, इनको जल्दीबाजी का जो गेम होता है ना वो नहीं आता है, तेज आउटफील्ड वाला गेम इसको नहीं, ये दोनों खेल ही नहीं पाएंगे।
जहाँ टाइम लेते हैं ना आराम से भाई हम हमारा गेम खेल ले, वहाँ के ये दो बेहतरीन प्लेयर हैं पूरे वर्ल्ड क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं। ये तो यहाँ पे इब्राहिम जादरान, इससे अच्छा इब्राहिम जादरान है। तो इस टीम की तरफ से इस विकेट के हिसाब से देखे ना, ये मस्ट नीडेड प्लेयर है। एक बार के लिए मैं हैंड्रिक्स का भी नाम हटा सकता हूँ, लेकिन इब्राहिम जादरान मस्ट नीडेड है। हो सकता है ये इसी मैच में जीरो पे चला जाए, लेकिन भाई परफॉर्मेंस थोड़ी ना बिगड़ जाएगी जीरो जाने से। प्लेयर इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इन चारों की अगर बात करें ना, ये दो मस्ट नीडेड है, तीसरा इसलिए बन जाएगा क्योंकि विकेट कीपिंग का बैकअप है, इसको आप आराम से छोड़ सकते हो। मार्क चैपमैन इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इस विकेट पर मैं ज़्यादा इनसे उम्मीद नहीं लगा रहा हूँ। फिर विक्रमासिंघे है, फिर मोहम्मद नबी है। मोहम्मद नबी तो इंपॉर्टेंट होंगे, और मोहम्मद नबी तो एक ऐसा प्लेयर है जिसको अगर मैं नहीं लूँगा तो चार विकेट इसके कन्फर्म है, और मैंने ले लिया तो इसको एक विकेट भी नहीं मिलेगा। फिर दुशान हेमंता है, दिलशान मधुशंका है। मधुशंका ने मैचेस तो खेले हुए हैं, लेकिन रिकॉर्ड इनका मैंने मेंशन नहीं किया है, ठीक है। इसी मतलब लीग के मेंशन नहीं है, वेन्यू पे मतलब जैसे T20 मैचेस होते हैं ना, वो तो खेले हुए हैं। बाकी उसके अलावा यहाँ बात करें नुमान प्रदीप और नुमान तुषारा की, तो दोनों का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है इस वेन्यू पे, स्पेशली नुमान प्रदीप का। नुमान प्रदीप एक बेहतरीन विकेट टेकर है, लेकिन फर्स्ट बॉलिंग पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये इनके बेंच के प्लेयर है, जिसमें मुस्ताफिजुर का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, लेकिन चांस बहुत ही कम है कि मुस्ताफिजुर को ये लोग मौका देंगे। अब बात करें स्कोर कार्ड की, तो पिछला मैच देखिए, ये वैसे तो पहले तो है ना जीत गए थे, फिर हारने की इनकी वो आ गई, फिर वापस जीत गए, फिर हार गए, फिर मतलब इनका टाई हो गया था, फिर वापस हार गए थे। तो पिछला मैच जो था ना, उसमें सबसे ज़्यादा स्कोर जो था वो रीज़ा हैंड्रिक्स और मोहम्मद नबी का था, और बॉलिंग में देखोगे तो जिन्होंने भी बॉलिंग की सब ने विकेट लिए, ठीक है। तीन ओवर किए थे इसने दिलशान ने, और एक चामिंडू ने। ये सेकेंड लास्ट मैच है जिसमें सबसे ज़्यादा स्कोर चामिंडू विक्रमासिंघे का था, और बॉलिंग में दुशान हेमंता ने तीन विकेट लिए, विक्रमासिंघे ने दो, नुमान प्रदीप ने एक, और तुषारा ने तीन, और वहीं पर दिलशान मधुशंका ने भी एक। और ये थर्ड लास्ट मैच है जिसमें कुशाल परेरा 80 रन का स्कोर और जीत गई थी टीम। मुस्ताफिजुर ने दो, नुमान प्रदीप ने दो, दो मोहम्मद नबी ने, एक दिशान हेमंता ने, विक्रमासिंघे विकेटलेस और मधुशंका भी विकेटलेस। अब बात करें टीम की, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन याद रखना फाइनल स्मॉल लीग की टीम जो होगी ना, वो टेलीग्राम पे ही मिलने वाली है, जिसका लिंक मैंने दिया हुआ भी है डिस्क्रिप्शन में। तो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया ना, वो क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन के अलावा मैंने कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, तो जहां से भी आपका मन करे आप ज्वाइन कर सकते हो। आप कॉम्बिनेशन सेट करते हैं कि किस तरीके का कॉम्बिनेशन हमें बनाना है, मतलब थोड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन मैं आपको बना के दिखाऊंगा। वीडियो को लाइक उम्मीद करता हूं आपने कर दिया होगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ज़्यादातर लोगों ने टीम बना रखी है वो क्या बना रखी है, फिर हम चेंजेस करेंगे हमारी टीम के अंदर कि हाँ हमें ये चेंजेस करने पिच की कंडीशन के हिसाब से। तो पहले मैं एक बार परसेंटेज वाइज जो टीम होती है ना, मतलब हाई सिलेक्शन वाली टीम, वो बना रहा हूँ। सो देखिए, यहाँ पे कुशाल परेरा, दिनेश चंडीबल को ज़्यादातर लोगों ने लिया हुआ है, तो मैंने इंक्लूड कर लिया। चैपमैन, रीज़ा हैंड्रिक्स, एंड्रयू फ्लेचर, ठीक है, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। ऑलराउंडर सेक्शन में हसरंगा, मैथ्यूज, मोहम्मद नबी को भी लोग लेंगे ही, ठीक है। उसके बाद बॉलिंग में आ जाइए तो तुषारा, और का सिलेक्शन बहुत कम है। देखिए फ़िलहाल जो आप टीम देख रहे हो ना, ये बहुत ही हाई चांस है कि सारे प्लेयर खेलेंगे, कोई प्लेयर ना खेले इसके मतलब बहुत कम चांस है, क्योंकि अच्छे प्लेयर से सबके सब, और साथ ही में ना रेगुलर खेलते हुए भी आ रहे हैं। हाँ, अगर ये नहीं खेलेंगे तो हो सकता है या तो इंजर्ड हो में भी चांस बनता है, या दूसरा अगर कोई जैसे मान लो इंजरी के अलावा, देखिए मुझे बहुत ही कम चांस लग रही है कि कोई प्लेयर हटेगा। अब ये टीम लोगों ने बना रखी है, अगर अपन कैप्टन वाइस कैप्टन भी एक बार ले लेते हैं कि यार चलो कैप्टन वाइस कैप्टन भी क्लियर हो जाएगा, तो हसरंगा चलो बहुत अच्छी बात है, लोगों ने कैप्टन तो कर रखा है कम से कम, और वाइस कैप्टन लोगों ने दिनेश चंडीप येरा शना का, तो लोगों ने अभी फ़िलहाल के लिए ये टीम बना रखी है। अब इसका क्वेश्चन मतलब आपको मैं जवाब देना चाहूँगा, आपके मन में ये होगा ना कि भाई क्या ये टीम अच्छी है, तो मेरा आंसर ये कि ये टीम बहुत ख़राब है। ये टीम इतनी ख़राब है कि आप इस टीम को एक बार एक काम करना, सेव कर देना इस टीम को, और फिर जो मैं टीम दे रहा हूँ ना उसको भी सेव करना, पॉइंट मैच कर लेना, मैच एंड हो जाए ना उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कौन सी टीम बेहतर है। तो पहले तो बात करें क्या इस टीम के अंदर खराबी है, मतलब क्या ऐसे प्लेयर कौन से हैं जिनको हमें ड्रॉप करना है। तो मैंने आपको बता दिया ये कोई बल्लेबाजी वाली विकेट नहीं है, यहाँ बॉलर अच्छा करेंगे, तो सबसे पहले तो आप ड्रॉप करना यहाँ पे। देखिए अगर ये टीम बैटिंग करती है ना, डम्बुला सिक्सर्स की, परेरा को ड्रॉप कर देना बेफिक्र होके, लेकिन बैटिंग करनी चाहिए। अगर बॉलिंग करती है तो फिर इनके पास विकेट कीपिंग के भी कम से कम 15-20 पॉइंट आ जाएंगे, और फिर थोड़े बहुत भी रन करे, 20 भी रन करे, 50 पॉइंट सीधे हो जाते हैं। तो बैटिंग फर्स्ट पे तो ड्रॉप कर सकते हो, बॉलिंग फर्स्ट पे आपको उनको लेना है। और मैं अभी
इनकी बैटिंग फर्स्ट पे टीम, मतलब इनकी बैटिंग है इस तरीके की टीम बना रहा हूँ। तो चंडीमल को तो कन्फर्म लेना है, कोई मतलब डाउट ही नहीं, लेना ही है कन्फर्म। फ्लेचर को ड्रॉप करना है, चैपमैन को ड्रॉप करना है, रीजा हैंड्रिक्स को लेना है और इब्राहिम जादरान दोनों को पिक करना है। हाँ, चैपमैन को आप चाहो तो ले सकते हो, लेकिन फ्लेचर को आप ड्रॉप कर देना सीधा। फिर आ जाइए आप ऑलराउंडर सेक्शन में, कोई कमी नहीं है, सिर्फ इसको हटा के और दुशान हेमंता को ले लेना, कोई कमी नहीं है, सिर्फ एक प्लेयर की कमी थी जो मैंने पूरी कर दी। फिर उसके बाद बॉलिंग में आ जाइए, बॉलिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे तुषार अच्छा प्लेयर है, कोई डाउट नहीं है, और मैं क्योंकि इनकी बैटिंग के हिसाब से टीम बना रहा हूँ, डीएस की बैटिंग के हिसाब से टीम बना रहा हूँ मैं, ध्यान रखना ठीक है। तो मैं तुषारो को हटा के कहाँ गया, लेकिन वही बात है ना कि यार कि खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे वो भी तो कन्फर्म नहीं है ना। तो फिलहाल के लिए तुषारो को ही ले लेना और एक नुवान प्रदीप को, क्योंकि ये टीम हाई चांस रखती है मैच जीतने की। लेकिन एक प्लेयर मेरा कोई ना कोई मिस हो रहा है जो मैं भूल रहा हूँ, कोई ना कोई एक प्लेयर है, ये भी नहीं, बैटिंग में आ जाइए, ये रहा कमिंडो मेंडिस, क्योंकि बॉलिंग भी देगा और बैटिंग भी देगा। यार नहीं, एक प्लेयर अभी भी मिस है, रमेश मेंडिस नाम, इसको हटा देना आप लोग, ये रहा ठीक है। हाँ, ये टीम मेरी रहने वाली है। और कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, कैप्टन सही है, कैप्टन में कोई दिक्कत नहीं है, वाइस कैप्टन चेंज कर देना और वाइस कैप्टन मोहम्मद नबी को कर देना। तो ये मेरी टीम है इस मैच की, ठीक है। और बाकी जो भी मेरी टीम में चेंज होंगे, ठीक है, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर दूंगा। इस टीम की बॉलिंग अच्छी है, मोहम्मद नबी वाली टीम की बॉलिंग बहुत अच्छी है और इनकी भी अच्छी बॉलिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने जो टीम बना रखी है ना, इस टीम में कोई फॉल्ट नहीं है, एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जिसको मतलब आप ये कह सको कि यार वही ख़राब प्लेयर आपने लिया हुआ है। मोहम्मद नबी आपको पूरे बॉलिंग करता हुआ नजर आएगा, बैटिंग बैकअप देगा, कन्फर्म है। दुशान हेमंता इस विकेट पे विकेट लेगा और लिया है अभी तक तो भाई। और रमेश मेंडिस को इसलिए लिया है क्योंकि तीन लेफ्टी है, तो कन्फर्म है चार ओवर करेगा, ठीक है, और बैटिंग बैकअप भी देगा। तो यहाँ एक दो और तीन, तीनों में कोई फॉल्ट नहीं है। अगर आपको लगता है इसको आपको ड्रॉप करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन ये फॉल्ट नहीं है, बहुत अच्छा प्लेयर है, मैंने इसको जानबूझ के लिया है। रीजा हैंड्रिक्स वैसे हाई सिलेक्टेड है और मैं भी ले रहा हूँ, फॉल्ट नहीं है, बिल्कुल 0% फॉल्ट जिसको बोलते हैं ना वो वाली है। तो मेरी टीम लगभग कन्फर्म है। वीसी आप चाहो तो चेंज करके आप शनाका के साथ जा सकते हो, चंडीमल के साथ जा सकते हो, या ये टीम अगर बॉलिंग करे तो नुवान प्रदीप या तुषारा के साथ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा वीसी अगर मान लो मैं चेंज करता हूँ, मैं इन्फॉर्म करूँगा आपको, ऐसा नहीं है कि मैंने दे दी और फिर बाद में आपको टीम ना मिले, हाँ है ना। तो ये अभी डेमो टीम है और ये सेम टीम आपको रियल 11 में लगानी है और जहाँ भी आप खेलते हो वहाँ लगानी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर क्लिक करके टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।